हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि इसका वर्क एनर्जी और पावर का, और इसके अलावा हमने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी देखा था। ठीक है, हमने ये देखा था कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी वर्क करती है, कब कब किन किन चीज़ों में पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था बो और स्ट्रिंग, यानी कि धनुष और धागे और तीर का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, हमने ये देखा था कि जब मैं रेडी करती हूँ किसी भी बो को, यानी कि उसकी स्ट्रिंग को खींचती हूँ, तो मैं फोर्स लगाती हूँ जिसकी वजह से उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। स्टोर किस फॉर्म में होती है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अभी मैंने एरो को छोड़ा नहीं है, लेकिन जब वो स्ट्रिंग किस पर धक्का लगाती है, एरो पर, तो एरो में एनर्जी आती है और वो एनर्जी किस में? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कब? जब मैं उस स्ट्रिंग को छोड़ देती हूँ। तो व्हेन स्ट्रिंग इज रिमूव्ड, एरो विल मूव फॉरवर्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्टेड इन टू द काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात हमने कर ली थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है, सपोज करो किसी हाइट पर, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी हाइट, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी हाइट है ना, वो फंक्शन होती है एच का, और वो कितनी होगी? एम जी एच। ठीक है, हम खुद ही कह रहे हैं कि जो वर्क होता है वही एनर्जी होती है। हमने यही तो कहा था कि जो वर्क डन होता है वो किसी भी पार्टिकल में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वर्क डन जो है, मैंने सपोज करो कि मेरे पास एक पत्थर था या कोई भी पार्टिकल था या कोई भी ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने अर्थ, ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस है, इस अर्थ की सरफेस से मैंने उसको एच हाइट पर यहाँ पर रख दिया। मतलब ये मेरे पास पार्टिकल है ना, उसको मैंने अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर रख दिया? एच हाइट पर रख दिया। अब क्योंकि मैंने इसको रखा है, तो हम बार बार बोल रहे हैं इस चीज़ को, पोजीशन की वजह से, पार्टिकल की पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर हो गई, तो वो उसकी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। इवन आपके आसपास जितनी भी चीज़ें स्टेबल रखी हुई हैं, सब में एनर्जी है, पर वो एनर्जी उसमें किस फॉर्म में स्टोर है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है। ठीक है, अब अगर आप उन सभी चीज़ों पर धक्का लगाते हो, तो आप वर्क करते हो, वर्क करोगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी अब एक्टिव हो जाएगी, और जैसे ही आप धक्का लगाओगे तो वो क्या करेगी? मूव करेगी। मतलब वो जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें रखे होने पर स्टोर्ड थी, वो कन्वर्ट हो गई किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। बात समझ में आ गई। तो जितनी भी आसपास की चीज़ें जो अपनी अपनी जगहों पर भी रखी हुई हैं, ठीक है, किसी हाइट पर रखी हुई हैं, नीचे रखी हुई हैं, कहीं भी रखी हुई हैं, तो उनमें एनर्जी स्टोर्ड है, और वो कौन सी एनर्जी स्टोर है उनकी पोजीशन की वजह से? वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे ही मैंने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लिया, उसको अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर रख दिया उठा करके। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम किया ना। अरे भाई, किया कि नहीं किया? मैंने वर्क डन किया अपोजिट टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे की तरफ, यानी कि अर्थ के सेंटर की तरफ। अर्थ का सेंटर यहाँ है सपोज, ठीक है, सेंटर की तरफ लग रहा है। मैंने एक भारी चीज़ जिसमें मास था, उस मास को उठा करके मैंने कहाँ रख दिया? एच हाइट पर रख दिया। तो मैंने क्या किया? मैंने वर्क किया अगेंस्ट टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम किया। विरुद्ध काम करने की वजह से इसमें एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, अभी मैंने इसको होल्ड कर रखा है, अभी मैंने इस पत्थर को या इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पकड़ रखा है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने इस बो की स्ट्रिंग को पकड़ रखा था, याद है ना आपको? ठीक है, तो अभी इसमें एनर्जी भर गई, स्टोर हो गई। जैसे ही मैं पत्थर को छोड़ूंगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गई? अगर ये नीचे आएगा, इसकी अर्थ की सरफेस को हिट करेगा, तो उस टाइम इसके ऊपर, इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। शुरुआत में वो धीरे धीरे चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी एकदम से चेंज नहीं होती काइनेटिक में, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे चेंज होगी काइनेटिक में, और जब वो हिट करेगा ग्राउंड को, उस टाइम पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कन्वर्ट होगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी। आपने देखा होगा ना, चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है, तो जब ज़मीन को हिट करती है, तो उस टाइम उस पर फोर्स ज़्यादा लग रहा होता है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, झटके से गिरती है वो चीज़। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो जब इनिशियली मैंने इस पत्थर को होल्ड करके रखा किसी हाइट पर, तो क्या हुआ? इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे ही छोड़ूंगी, पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे चेंज होती है। तो किसी भी हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कितनी होगी? एम जी एच। अभी ऐसे ही नहीं आई है, ये आई है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। हम जानते हैं ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो वर्क डन होता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब वही तो एनर्जी होती है, जरूरी नहीं कि पोटेंशियल हो। समझ में आ रही है? क्योंकि एनर्जी की कई फॉर्म्स होती है, बस हमें इतना पता है कि वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और यू कैन से वर्क इज स्टोर्ड इन द पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब एनर्जी की कई फॉर्म होती है, काइनेटिक होती है, पोटेंशियल होती है, केमिकल होती है, मैकेनिकल होती है ना, बहुत सारी एनर्जी होती है।
ठीक है, तो वो एनर्जी की फॉर्म जरूरत के हिसाब से एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? अब ये फोर्स कौन सा है, एम जी, और एच क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। मैंने उसको अर्थ की सरफेस से डिस्प्लेस किया और एच हाइट पर रखा, ठीक है। एम जी कौन सा फोर्स है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे बता सकते हो यहाँ पर एम जी क्या है, एम जी इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा, ये जो पार्टिकल है इसका मास है स्मॉल m और g इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ लगेगा, तो फोर्स कितना लगेगा, f इज इक्वल टू एम जी, और हाइट कितनी है, h हाइट है, समझ में आ गई, ठीक है। तो उस कंडीशन में मतलब h हाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल रखा होगा तो उस पर कितना उसकी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एम जी एच होगी, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब देखो आप मेरी बात इसमें कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस विल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर में, एम से एम कटेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, टू जी एच होगा कि नहीं होगा, मतलब ऐसे निकाल सकते हो आप, वी इज इक्वल कोई न्यूमेरिकल आ गया उसमें ऐसे दे दिया आपसे कि वेलोसिटी निकालो पार्टिकल की, पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव करेगा, तो आपको क्या करना है, जी रखना है, कॉन्स्टेंट होता है 9.8, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है ये, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ में आ गई। एच क्या है, वो देगा कितनी हाइट पर रख रहा है, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, उसको रखो पार्टिकल की वेलोसिटी आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी, समझ में आ गई बात आपको। तो एक बार मैं इसको भी लिख देती हूँ पूरे को कि मैंने इस पूरे उस पर क्या समझा है, ठीक है। तो हमने लिखा व्हेन अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सम हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ देन वी डू वर्क अगेंस्ट the gravitational force of earth, gravitational force of earth, this work done, जो हम work कर रहे हैं, this work done is stored in the particle, is stored in the particle in form of पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। व्हेन वी रिमूव्ड द एप्लीकेबल फोर्स या वी रिमूव्ड द एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, कल भी बताया था मैंने एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट क्या था, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था उसको, रस्सी को, धनुष की रस्सी को पकड़ा हुआ था, और अब क्या है, पत्थर को पकड़ा हुआ है, तो जैसे ही छोड़ूंगी तो मतलब मैं बाहर से जो मैं अपनी तरफ से जो कंस्ट्रेंट लगा रही हूँ, कंस्ट्रेंट मतलब इसको आप समझो एक तरीके की बाधा, ठीक है, वो जो लगा रही हूँ उसको मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। व्हेन वी रिमूव द एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट देन दिस स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, दिस स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी converted into kinetic energy, therefore जो मेरे पास b square आती है वो कैसे आती है, half m v square is equals to m g h आती है, और v square is equals to क्या आती है, 2 g h, और v is equals to क्या आती है, root 2 g h, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो ये पता होनी चाहिए आपको बेसिकली, ठीक है। ये आ गई v, हमने निकाल ली कि v कितनी आएगी ऐसे केस में अगर h हाइट पर रखा जाए तो, समझ में आ गई। दूसरी बात, फोर्स कैसे निकालें कि कितना फोर्स मैंने लगाया था उस पर, ठीक है, कितना फोर्स मैंने अगेंस्ट किया ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे अपन, देखो फोर्स, या यू कैन, आप यहाँ से कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर तो कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एफ इज इक्वल्स टू, क्या करना है आपको,
डिफरेंशिएशन करना है किसका, वी एच का। वी एच मतलब पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी जिसका फंक्शन है उसी के सापेक्ष उसका क्या कर दो, अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो पढ़े हैं ना हमने, भूल गए हैं भाई, आज पढ़ना कॉपी खोल के। वी एच कितना है पूरा देखो, इसको आप वन डाल दो, इसको आप टू डाल दो, है ना। इक्वेशन वन से वी एच कितना है, एम जी एच रख दूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एम तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, जी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी एच बाई डी एच। और डी एच का एच का एच के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है वन होगा, जैसे हमने एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में देखा था, टी का टी के रेस्पेक्ट में देखा था। तो एफ कितना निकल करके आ गया, माइनस एम जी। मतलब माइनस नेगेटिव साइन किसको बता रहा है, कि आपने पर्टिकुलर पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया वो तो लगाया नीचे से ऊपर, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन है एक्सटर्नल फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स की, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज हमारे पास आया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर नेगेटिव चार्ज इंडिकेट्स दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अपोजिट, अपोजिट मतलब डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड टू दी एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने लगाया है, मतलब पत्थर को उठा के नीचे से ऊपर रखा है तो फोर्स ही तो लगाया है। एक्सटर्नल फोर्स जो कैसा है, अपवर्ड। तो ये दोनों अपोजिट हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या आया है, नेगेटिव साइन आया। समझ में आई, तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, दो एग्जांपल से बताया, एक तो बो स्ट्रिंग का और एक हमने देखा एम जी एच का, किसी पर्टिकुलर हाइट पर कितना होगा। बात समझ में आई आपको, ठीक है। और कैसे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, तो हम एक तरीके से देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिस्टेंस का फंक्शन होती है। देखो ना, ये एच भी तो डिस्टेंस ही है। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होती है किसका, किसकी, डिस्टेंस की। यहाँ देखो डिस्टेंस की फंक्शन होती है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, यानी कि वी एक्स। और इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है ना, ऐसे लिख दो डी एक्स, यहाँ पे लिख दो वी एक्स, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस यानी कि वी एक्स, ठीक है। आगे हम लिखेंगे दिस पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड इन फॉर्म ऑफ फोर्स एज, कैसे, एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एक्स वी एक्स। यहाँ देखो, यहाँ पे भी तो हमने वही किया था भाई, यहाँ में लिखा था एफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एच वी एच, क्योंकि पोटेंशियल वहाँ पर एच का फंक्शन था, एच भी तो एक तरीके की डिस्टेंस ही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक जनरल डिस्टेंस को बताएगा, जिसमें आपकी लेंथ हो सकती है, विड्थ हो सकती है, हाइट हो सकती है, सब तरीके की डिस्टेंस इंक्लूड हो जाएगी इसमें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी। लेकिन यहाँ पर जब हमने हाइट पर रखा था तो भाई वहाँ पर तो जो डिस्टेंस थी एक्स, उसकी जगह पर एच ही था, इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन भी एच के रिस्पेक्ट में किया था। यहाँ पर क्या है, एक्स कोई भी जनरल लाइन लेंथ हो सकती है, विड्थ हो सकती है, हाइट हो सकती है, तो वो जनरली हम क्या दिखाएंगे, एक्स का फंक्शन दिखाएंगे। समझ में आ गई बात आपको। तो इससे पता क्या मिलता है, अगर मुझे, ठीक है, अगर मुझे पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, तो मैं फोर्स निकाल सकती हूँ बाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अगर मुझे फोर्स दे रखा हो और पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो क्या करूँगी मैं, तो सुनो आप, इस डी एक्स को इधर ले जाओ, क्या करो डी एक्स को इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा, एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी एक्स। दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी एक्स। और हम जानते हैं डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, इंटीग्रेशन भी हो रहा है, तो दोनों हट जाएंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो उससे क्या होगा, एफ डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बाहर वी एक्स, और सॉरी दोनों हट जाएंगे ना, तो इंटीग्रेशन भी तो हट जाएगा वी एक्स। समझ में आ गई, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, दिस विल इम्प्लाइज वी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये माइनस में इधर ले गई,
समझ में आ गई। तो ये एक तरीका आ गया, एक फॉर्मूला और आ गया मेरे पास, जिससे अगर मुझे फोर्स दे रखा हो तो उसका इंटीग्रेशन कर दूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये फोर्स को कन्वर्ट करेगा पोटेंशियल एनर्जी से, इससे निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो तो फोर्स निकाल सकते हो। समझ में आ गई। इससे आगे हम कल हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्सेस देखेंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।